नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को बुद्ध सीरीज के इस 21वें एपिसोड में स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। पिछले 4 एपिसोड से प्रति समुत्पाद पर चर्चा चल रही है। एपिसोड संख्या 17 में इसका सामान्य परिचय दिया गया था। एपिसोड नंबर 18 में इसके द्वादश निदानों में से प्रथम 3 निदान अविद्या, संस्कार तथा विज्ञान पर विमर्श हुआ। एपिसोड नंबर 19 में नाम रूप, सलायतन तथा स्पर्श, इन 3 निदानों को देखा। एपिसोड नंबर 20 में उसके आगे के 3 निदान यानी वेदना, तृष्णा तथा उपादान पर प्रकाश डाला गया। इस 21वें एपिसोड में शेष बचे हुए अंतिम 3 निदान यानी भाव, जाति तथा जड़ा मरण को देखेंगे और प्रतीत समुत्पाद की गंभीरता पर विचार करेंगे। अस्तु, पिछले एपिसोड में उपादान तक देखा था, अब देखते हैं कि उपादान के बाद क्या होता है। उपादान के बाद भव होता है, जो द्वादश निदान की 10वीं कड़ी है। यह भव क्या है इसे देखते हैं। भवति, भावयति, चाति भवो, यानी जो क्रम भव होता है तथा जो उत्पत्ति भव को पढ़ाता है वह भव कहा जाता है। अभी पिछले निदानों में देखा था कि जब इंद्रिय के संपर्क में कोई विषय आता है तब अनुकूल अथवा प्रतिकूल अनुभूति होती है, यानी सुखावेदना अथवा दुखावेदना होती है। वेदना के बाद तृष्णा जगती है, यानी उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है और फिर हम उस वस्तु को किसी भी तरह प्राप्त कर लेते हैं। कहने का अर्थ है कि हमने कर्म कर दिया, कार्य संपन्न हो गया। यह कर्म अकुशल भी हो सकता है, कुशल भी हो सकता है। जब कभी भी अकुशल अथवा कुशल कर्म होते हैं तब वे निरुद्ध होकर अपने अनुकूल तदनुरूप विपाक उत्पन्न करते हैं। हम आजीवन कर्म करते रहते हैं और उन कर्मों का विपाक बनता रहता है। ऐसे कर्म तथा ऐसे विपाकों का संग्रह ही भव है, जो पुनर्जन्म का आधार बनाते हैं। उपादान पर अवलंबित होकर भव की उत्पत्ति होती है। अगर उपादान ही न हो, यानी कर्म ही न किया गया हो, तो कर्म फल, कर्म विपाक की उत्पत्ति नहीं होगी, अर्थात भव निरुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहा गया है उपादान पचया भवो तथा उपादान निरोधा भव निरोधो, अर्थात उपादान है तो भव है और उपादान नहीं है तो भव का अस्तित्व भी नहीं है। भव चक्र को और आगे बढ़ाते हैं और इसके अगले निदान जाति पर चर्चा करते हैं। जननं जाति, अर्थात उत्पन्न होना जाति है, अर्थात पुनः जन्म लेना जाति है, रीबर्थ जाति है। भव की चर्चा में हमने देखा कि इस जीवन में अनेकों कुशल तथा अकुशल कर्म किए गए, जिनका तदनुरूप विपाकों का संग्रह होता रहा। यही विपाक अगले जन्म का यानी भावी जीवन का, पुनर्जन्म का
आधार है। यही विपाक इस शरीर के छूटने के पश्चात मृत्यु के बाद अगले जीवन में संसरण करता है। इन्हीं विपाकों का ट्रांसमाइग्रेशन होता है। जैसा कर्म करते हैं वैसी योनि मिलती है। मनुष्य योनि दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। किच्छो मनुष्य पटिलाभो, अच्छे कर्मों के संपादन के बाद ही मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। हमारा पुनर्जन्म जिसे यहां जाति कहा गया है यानी रीबर्थ कहा गया है, तो यह रीबर्थ है क्यों होगा, हम पुनर्जन्म क्यों ग्रहण करेंगे, इसकी चर्चा अब करते हैं। क्योंकि अब तक हमारा भव हुआ, अब जाति क्यों होगा, हम पुनर्जन्म क्यों ग्रहण करेंगे, इसको देखते हैं। हम पुनर्जन्म इसलिए ग्रहण करेंगे, हमारा पुनर्जन्म इसलिए होगा क्योंकि हम इस जीवन में अकुशल तथा कुशल कर्म कर रहे हैं जिनका विपाक बन रहा है। अगर हम उपेक्षा कम निष्काम कर्म करेंगे तो हमारा विपाक नहीं बनेगा। फलतः जीवन मरण का जो यह चक्र है वह टूट जाएगा, हम भव चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहा गया है भव पचया जाति तथा भव निरोधा जाति निरोधो, अर्थात भव के होने से यानी कर्म तथा कर्म फल के कारण पुनर्जन्म होता है और भव के निरोध से पुनर्जन्म का निरोध हो जाता है। अब भव चक्र की द्वादश निदान की पतित समुत्पाद की अंतिम कड़ी जरा मरण को देखते हैं। पिछले जीवन में निष्काम कर्म नहीं करने के कारण, उपेक्षा कम नहीं करने के कारण पुनः मां के गर्भ में आते हैं, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। जन्म लेने के बाद क्रमशः हम बूढ़ा होते हैं, जीर्ण होते हैं, जीर्णं जड़ा, यही जीर्ण होना बूढ़ा होना जड़ा है। जड़ा होने पर बुढ़ापे में हमारे दमक टूट जाते हैं, बाल पक जाते हैं, झुर्री पड़ जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, हम भूलने लगते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है। ये सब बुढ़ापा के लक्षण हैं, यही जरा है। और फिर बूढ़ा होकर जीर्ण होकर मर जाते हैं, इस लोक को त्याग देते हैं, इस जीवन का अंत हो जाता है, यही मरण है। यह जरा मरण क्यों होता, क्योंकि हमने जन्म ग्रहण किया। जाति पच्या जरा मरणं, अगर जन्म नहीं लेते तो न बूढ़ा होते और न ही मरते। जाति निरोधा जरा मरण निरोधो, अर्थात जाति के होने से जरा मरण होता है और जाति के निरोध हो जाने से जरा मरण का निरोध हो जाता है। इस तरह प्रतीत समुत्पाद के समस्त द्वादश निदानों की व्याख्या संपन्न हुई। अब इस प्रतीत समुत्पाद को कंक्लूड करते हैं। यहां उल्लेखनीय है, दर्शनीय है कि इन 12 निदानों के माध्यम से 3 जन्मों की व्याख्या की गई है। इनमें आरंभ के 2 निदान अविद्या तथा संस्कार पूर्व जन्म से संबंध रखते हैं, अंत के 2 निदान जाति तथा जरा मरण भविष्य के जीवन का संकेत करते हैं, और मध्य के 8 निदान विज्ञान नाम रूप सलायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान एवं भव वर्तमान जीवन को बतलाते हैं। इन 12 अंगों इन 12 निदानों के माध्यम से यह दर्शाया गया है
कि अतीत के आधार पर वर्तमान की उत्पत्ति होती है और वर्तमान के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है एवं इस तरह भाव चक्र चलता रहता है चलता रहता है। इन 12 निदानों में अविद्या तथा तृष्णा भाव चक्र को चलाने के मूल कारक हैं। अविद्या के नष्ट होते ही तृष्णा का भी अंत हो जाता है और तब तृष्णा के आगे के समस्त निदान स्वयं ही टूट जाते हैं, फलतः भाव चक्र निरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, यह उसका अंतिम जन्म होता है। इसे अपने के स्वयं के उदाहरण से समझते हैं। पिछले जीवन में मेरे साथ अविद्या थी, अविद्या होने के कारण मैं निष्काम कर्म नहीं कर पाया, अकुशल तथा कुशल कर्मों को किया जिनके विपाक बने, संस्कार बने और ये संस्कार वर्तमान जीवन का आधार बन गए। जैसा मेरा पिछला जीवन का संस्कार था वैसे मेरे माता पिता मिले, वैसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। 9 माह के बाद मां के गर्भ से मैं बाहर आया, मेरे साथ नाम तथा रूप रहा यानी माइंड एंड मैटर रहा, मन तथा शरीर रहा, मेरे पास 6 इंद्रियां हैं। ये 6 इंद्रियां अपने अपने आलंबन पर अपने अपने विषय पर कार्य करती है। जैसे मेरी आंखें रूपों को देखती है, कान शब्दों को सुनता है इत्यादि। जब आंखें रूपों को देखती है तो तदनुरूप अनुभूति होती है, वेदना होती है, सुखद अनुभूति होती है अथवा दुखद अनुभूति होती है। मैं उपेक्षा अनुभूति नहीं करता क्योंकि मेरे पास अविद्या है। जब इंद्रिय के संपर्क में विषय आता है तो उपेक्षा भाव से नहीं रहता हूं, मैं प्रतिक्रिया करता हूं, अनुकूल प्रतिक्रिया अथवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया, तटस्थ नहीं रहता हूं क्योंकि निष्काम कर्म नहीं करता हूं, उपेक्षा कम नहीं करता हूं। और जब प्रतिक्रिया करता हूं तब प्राप्ति की इच्छा करता हूं, तृष्णा उत्पन्न करता हूं, यह तृष्णा फिर बलवती हो जाती है यानी उपादान होता है और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वाचसिक तथा कायिक वोकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज करता हूं, कर्मों को करता हूं, आजीवन ये कर्म करता रहता हूं, अकुशल कर्म करता हूं, कुशल कर्म करता हूं। अब भी अविद्या है इसलिए अब भी तृष्णा है पिछले जीवन की तरह, इसलिए पिछले जीवन की तरह इस जीवन में भी संस्कार बना रहा हूं। इस जीवन के लिए संस्कार के स्थान पर यहां भव नाम दे दिया गया है। बातें वही, कहने का अर्थ है कि इस जीवन में कर्म कर रहा हूं, कर्म के अनुसार विपाकों का संग्रह भी कर रहा हूं, यही विपाक मेरी मृत्यु के बाद मेरे अगले जीवन मेरे भावी जीवन का आधार बनेगा। जैसा मेरा कर्म होगा वैसा ही मेरा कर्म फल होगा, कर्म विपाक होगा और फिर अगले जीवन में अगले भावी जीवन में अपने कर्म फल के अनुसार जैसा मैंने कर्म किया उस कर्म विपाक के अनुसार उस योनि में मैं उत्पन्न होऊंगा, उस जन्म में भी मैं फिर इसी तरह का कर्म करता रहूंगा, बूढ़ा होऊंगा, मर जाऊंगा, पुनः जन्म ग्रहण करूंगा, पुनः बूढ़ा होऊंगा, पुनः मर जाऊंगा, यह भव चक्र चलता रहेगा, यह भव चक्र उस समय तक चलता रहेगा जब तक मैं अविद्या से घिरा रहूंगा, तृष्णा के अधीन रहूंगा, यही अनुलोम प्रतिसमुत्पाद है। अब प्रतिलोम प्रतिसमुत्पाद को देखते हैं, इसके लिए बुद्ध का उदाहरण लेते हैं, तथागत सम्यक संबुद्ध का। भगवान बुद्ध का पिछला जीवन अविद्या से युक्त था इसलिए उन्होंने संस्कार उत्पन्न किया, निष्काम कर्म नहीं किया, हां
कुशल कर्म किया होगा, केवल कुशल कर्म, अकुशल कर्म से वे विरत रहे होंगे, अलग रहे होंगे, क्योंकि कई जन्मों में अच्छे कर्मों के संपादन के बाद, अच्छे कर्मों को करने के बाद, पारमिताओं को पालन करने के पश्चात ही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। पिछले जीवन में जो उन्होंने कुशल कर्म किया, उन कर्मों के विपाक के अनुसार, कर्म फल के अनुसार महारानी महामाया के गर्भ में जीवन धारण किया। फिर वे 10 माह बाद गौतम सिद्धार्थ के रूप में इस लोक में आए। उनके साथ नाम रूप रहा, 6 इंद्रियां रही, इंद्रियों का विषय के साथ स्पर्श होता था, स्पर्श के बाद वेदना उनको भी होती थी, लेकिन 6 वर्षों के तप के पश्चात, 6 वर्षों के कठोर साधना के बाद गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। अविद्या का अंधकार छट चुका था, प्रज्ञा उत्पन्न हो चुकी थी, अब उनकी वेदना उपेक्षा वेदना थी, क्योंकि अब वे मोहातीत हो चुके थे, मोह के छूटते ही राग तथा द्वेष से वे पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। अब इंद्रिय का विषय के साथ स्पर्श तो होता था, आंख रूप को देखती तो थी, कान शब्दों को सुनता तो था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता था। उनके लिए रूप अब रूप मात्र था, शब्द शब्द मात्र था। जब प्रतिक्रिया ही नहीं थी तो दुख भी नहीं, सुख भी नहीं, केवल उपेक्षा वेदना, न सुखद वेदना और न ही दुखद वेदना। अब यहां से भव चक्र का लिंग टूट जाता है, अब यहां तृष्णा उत्पन्न ही नहीं होती है, तृष्णा नहीं तो बलवती तृष्णा नहीं, यानी उपादान नहीं, उपादान नहीं तो कर्मफल नहीं, यानी भव नहीं, और जब कर्मफल ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा, आवागमन से छुटकारा मिल गया, वह बुद्ध का अंतिम जन्म था। जितने भी अरहंत होते हैं उनकी तृष्णा नष्ट हो गई रहती है, उनका भव चक्र टूट गया होता है, वे जन्म मरण की परंपरा को पार कर गए होते हैं, और शेष जन बहुजन भव चक्र में फंसा रहता है, वह बेहोश पड़ा है, क्योंकि वह अविद्या से आवृत भी है, अविद्या से घिरा है, अंतर्बोध नहीं हो पा रहा है, धम्म को वह पढ़ता है, धम्म को वह पढ़ाता भी है, संतों की वाणी सुनता भी है, सुनाता भी है, लेकिन अंतर्बोध नहीं हो पा रहा है। होगा भी कैसे, धम्म को जीवन में आचरण करना होगा, आर्यष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा, तभी तृष्णाओं का अंत होगा, तभी विद्या उत्पन्न होगी, प्रज्ञा का प्रादुर्भाव होगा। वस्तु के यथार्थ स्वभाव, उसके अनित्य स्वभाव को जानेंगे, राग द्वेष से तभी मुक्त होंगे, तभी अगले जन्म से पीछा छूटेगा, भव चक्र से मुक्त हो पाएंगे। इसलिए बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को लोक पर अनुकंपा करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों के हित तथा सुख के लिए विचरण करने को कहा, विचरण करने को कहा, उनको उपदेशित करने को कहा। देशेत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्याणि। अस्त प्रतित समुत्पाद भगवान बुद्ध की एक अद्वितीय खोज है, इसमें कार्य कारण सिद्धांत को बतलाया गया है। बिना कारण के किसी कार्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, यह स्थापित किया गया है। अद्भुत खोज बुद्ध की यह थी, जो आगे के आचार्यों तथा वैज्ञानिकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। प्रतित समुत्पाद बौद्ध दर्शन की धुरी है, बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु है, इसलिए महाहत्थी पदोपम सूत्र में तथागत बुद्ध कहते हैं, यो पटित समुपादं पश्यति सो धम्मं पश्यति, यो धम्मं पश्यति सो पटित समुपादं पश्यति। जो पटित समुत्पाद को देखता है वह धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है
वह प्रतीत समुत्पाद को देखता है। इस तरह प्रतीत समुत्पाद को जानकर हम धम को जान सकते हैं, धम को जानकर अपना भी कल्याण कर सकते हैं, संपर्क में आने वाले सब लोगों का कल्याण कर सकते हैं, मंगल कर सकते हैं। भवतु सब मंगलं।